हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोस। दोस्तों, कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने एक बार फिर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर गहरा असर डाला है। इस वायरस के बढ़ते मामलों के कारण देश के कई राज्यों में सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया। सिनेमाघर के बंद होने की वजह से प्रोड्यूसर्स ने कई फिल्मों की रिलीज डेट टालने का फैसला किया। वही मेकर्स को उम्मीद है कि मार्च आते आते चीजें नॉर्मल हो सकती है। इस समय हम साउथ के जाने माने डायरेक्टर SS राजामौली की अपकमिंग फिल्म RRR की रिलीज के बारे में बात करें। हाल ही में मेकर्स ने अनाउंस किया था और बताया था कि सिनेमाघर फुल कैपेसिटी के साथ खुलते हैं तो फिल्म को 18 मार्च को रिलीज किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिल्म को 28 अप्रैल के दिन रिलीज किया जाएगा। ऐसे में 2022 से रिलीज होने वाली प्रभास की पैन इंडिया फिल्म राधे श्याम भी है। ये 14 जनवरी को रिलीज होने वाली थी फिल्म। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म इस साल या तो होली पर आएगी या फिर ईद के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बॉलीवुड रिपोर्ट की माने तो प्रभास की राधे श्याम की रिलीज डेट SS राजामौली की RRR की रिलीज पर निर्भर करता है। अगर RRR होली पर रिलीज होती है तो प्रभास की राधे श्याम 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। प्रभास की राधे श्याम का डायरेक्शन राधे कृष्ण कुमार ने किया है। फिल्म में प्रभास के साथ लीड रोल प्ले करती नजर आएंगी पूजा हेगड़े। वहीं दूसरी ओर SS राजामौली की RRR में जूनियर NTR, रामचरण, अजय देवगन, आलिया भट्ट जैसे कई बॉलीवुड और साउथ इंडियन फेम एक्टर नजर आने वाले हैं। एक मैसिव मेगा बजट दोनों ही फिल्में हैं। इंतजार है फैंस को दोनों ही फिल्मों का। अब देखना है कि कब कौन सी फिल्म रिलीज होती है। वेल, आप कितने एक्साइटेड है दोनों फिल्मों के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।